Assalamualaikum, welcome back to my channel Cooking with Amna। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का सालन। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है अंडे का सालन बनाना बता दें हमें, आसान तरीके से बन जाए और मज़ेदार बने। तो आज हम अंडे के सालन की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है टोमेटो है और ये अनियन है और साथ में हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है जिसको हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने मिक्सचर बना लिया इसका। और ये हमारे पास एग्स मौजूद है, बॉयल्ड एग, और साथ में हमारे पास हल्दी और धनिया और यहाँ पे नमक मौजूद है। सो ये आज की हमारे पास जो अंडे का सालन हम बना रहे हैं इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टोमेटोस और अनियन का हमने मिक्सचर बना लिया था और कुटी हुई लाल मिर्च है इसके अंदर। सो सबसे पहले हम ऑयल कढ़ाई में डालेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। तो अब हमने जो बॉयल एग्स हमारे थे उसके ऊपर हमने हल्दी नमक ऐड कर देना है, अच्छे से उसको ऊपर उसके लगा देना है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये देखें हमने इस तरह जो इसके कट्स भी लगाए हैं और इसके साथ में जो है ना हल्दी नमक हमने ऐड कर दिया अच्छे से। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, अंडों को फ्राई कर लेंगे हम। दरमियानी आँच में आपने अंडे फ्राई करने हैं और अच्छे से फ्राई करने हैं आपने। सो इस तरह देख सकते हैं आप स्क्रीन में। अंडे तो नाज़रीन हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं और हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं और इनका कलर बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, इसमें गोल्डन सा कलर आ रहा है। यू कैन सी इन द स्क्रीन, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो फ्राई आपने अच्छे से करना है ताकि आपके अंडे का सालन आपका बहुत अच्छा बने, इसका लुक बड़ा अच्छा है और बहुत मज़ेदार बने। ज़्यादा आपने इसकी सख्तीपन नहीं लाना, आपने इसको फ्राई करना है जिस तरह आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ब्राउन आपने कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं तकरीबन, लेकिन थोड़ी कसर बाकी है तो फिर हम उसको भी पूरा कर लेते हैं। चले हमारे अंडे हो गए हैं फ्राई ऑलमोस्ट, अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। अब उस वही जो हमारा ऑयल है जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने अनियन टोमेटोस और कुटी हुई लाल मिर्च का हमने मिक्सचर बनाया था, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर, जिस ऑयल पे हमने अंडे फ्राई किए थे। तो हमारे पास यहाँ पे हल्दी नमक और धनिया पाउडर था तो वो हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया। सिंपल आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाज़रीन आपने देखा कि हमने अंडे फ्राई किए थे तो जो अंडे फ्राई करने वाला ऑयल था उसको हमने ज़ाया नहीं किया, उसी के अंदर हमने जो है टोमेटो और अनियन का जो हमने मिक्सचर बनाया था जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसके हल्दी नमक और हमने धनिया शामिल कर दिया। सो ये हमारा आप देख सकते हैं स्क्रीन में। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अंडे का सालन तो अमूमन घरों में बहुत शौक़ से खाया जाता है और बच्चे बहुत शौकीन होते हैं इसके, और आप पे डिपेंड करता है आप इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें डालें या नहीं डालें, अपने जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, अपने हसबे ज़ायका तौर पे जो भी आपको मुनासिब लगे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारी व्यूवर्स की बहुत फरमाइशें थी कि आप अंडे का सालन बनाना बताते हैं और आसान तरीके से और मज़ेदार सालन बनाना बताते, तो
हमारे व्यूअर के कहने पे, उनके रिक्वेस्ट पे हमने स्पेशली आज अंडे का सैलन बनाया है। होप आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। इट्स वेरी इजी एंड नॉट यू नो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके आम घरों में अवेलेबल हैं एंड यू कैन इजीली मेक इट और ट्राई कर सकते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंडे का सालन कैसे बना था और आपकी फैमिली को कैसे लगी, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और कोई अगर रिक्वेस्ट आपकी हो कोई भी, इसके अंदर हमने ज़रा पानी भी ऐड कर दिया है, साथ साथ हम इस चीज़ को भी लेके चलते हैं कि इसके अंदर ज़रा पानी ऐड कर दिया था, गाढ़ा बना गया था इसके अंदर, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर अंडे भी ऐड करेंगे लास्ट में। जो अंडे हमने फ्राई करके पहले हमने बॉईल कर लिए थे उसके अंदर, फिर हमने नमक हल्दी से अच्छे से उसके ऊपर लगा के फिर हमने इसको फ्राई कर लिया था और हमने इसको डिश आउट करके एक जगह रख लिया था। और इसका इसके अंदर फिर हम उसको अंडों को ऐड कर देंगे। हमारा तकरीबन रेडी है और हम इसमें अंडे शामिल कर रहे हैं। अब नाज़रीन इस तरह आप अंडों को ऐड कर देंगे। लजीज माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा और बना है ये। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारा ये अंडे का सालन बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे तमाम व्यूवर्स से, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उम्मीद है आपको आज की जो रेसिपी हमारी वो बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अब हमारे डिश का फाइनल लुक देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही लजीज बना है, बहुत ही खुशबू आ रही है, मज़ेदार। अब मैं इसको ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।